कल मेरी जान को बिल्कुल हुई जाती, मतलब उसके बाद में फिर क्या ही रह जाता अगर सब कुछ हुई जाता तो। ये मैं चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी उस पर संज्ञान ले। एग्जाम पर कोचिंग चलाने वाले फेमस टीचर और यूट्यूबर विवेक कुमार को दिन दहाड़े धमकी मिल रही है। धमकी मिल रही है कि 1 करोड़ रुपए दो वरना कोचिंग बंद करवा देंगे। ये सब कहीं और नहीं बल्कि उस प्रयागराज में हो रहा है जहां इलाहाबाद जैसा बड़ा विश्वविद्यालय। ये वही इलाका है जहां पुलिस के कस्टडी में अतीक को मार गिराया जाता है। अब खुलेआम रंगदारी मांगी जा रही है। ऐसे में सवाल ये कि रंगदारी मांगने वाले कौन है। रंगदारी मांगने वालों का नाम अब सामने आ गया है। पुलिस को दी गई तहरीर में विवेक कुमार की ओर से कुछ नाम दर्ज कराए गए हैं। उसमें राहुल सिंह परिहार, बादल सिंह, प्रवीण शुक्ला और सौरभ तिवारी का नाम लिखा गया है, जिसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। वहीं विवेक कुमार का कहना है कि ये लोग उनकी जान लेने पर उतारू। सर मेरा नाम विवेक कुमार है और मैं एग्जामपुर नामक एक संस्थान चलाता हूँ ऑनलाइन और ऑफलाइन। हमारी ब्रांच इधर प्रयागराज में बालसन चौराहे के पास है। तो सर कल 10 सितंबर को शाम के 6:30 बजे के करीब लगभग 15-20 बहुत ही हट्टे कट्टे और मतलब जो कुछ लड़के हमारी इसमें घुसे और वो एक बार पहले उससे पहले 4 सितंबर को भी आए थे। तब उन्होंने 50 लाख की रंगदारी मांगी थी और कहा था 1 हफ्ते का समय। और कल आके बोले लगे कि अब तुम गुंडे कर रहे हो यहाँ पे, तुमने वो नहीं दिया, अब 1 करोड़ रुपये तुम्हें देने पड़ेंगे और मेरे संस्थान को जलाने की धमकी देने लगे। बहुत सारी बच्चियाँ बच्चे पढ़ रहे थे, महिला स्टाफ था, सब उनको गालियाँ गलौज करने लगे, बहुत गंदी गंदी बैट लेके मारने के लिए दौड़ने लगे। मतलब उन्होंने काफी कल एक तरीके से बिल्कुल मृत्यु बोले ही मार देंगे, ही काट के जला देंगे पूरे संस्थान को, पेट्रोल के कैन वैन लाओ ये सब करके। फिर सर मैंने पुलिस को कॉल की, पुलिस आई, काफी मतलब रेस्पॉन्स देर से आया, मुझे नहीं उम्मीद थी कितनी देर से आएगा। उतनी देर में तो हो सकता है खत्म भी कर देते, वो तो स्टाफ था थोड़ा सा बीच में तो वो सेव करने की कोशिश कर रहे थे। तो फिर पुलिस आई हालांकि इन दी एंड और उन्होंने मेरे से तहरीर ली है, मैंने उन पर FIR दर्ज भी करवाई है और अभी ये है सर। कितने लोग आए? सर कम से कम यहाँ पे जो घुसे थे वो 15-20 थे और लगभग 100 के अराउंड सर ऑफिस के आसपास थे। सर 4 सितंबर को 50 लाख रुपए और कल उन्होंने 1 करोड़ रुपए मिले। सर जैसे भी मैंने उन लोगों के उनमें से नाम दर्ज रिपोर्ट दर्ज कराई हमने, जो CCTV कैमरे से कुछ फुटेज निकाल कर जब उनकी सोशल मीडिया से पहचान की तो आदित्यनाथ जी के होते हुए इस तरह से किसी एक एंटरप्रेन्योर को जो कि एक उद्यमी है रोजगार उत्पन्न करा रहा है, इतने कम अफोर्डेबल शिक्षा बच्चों को, अच्छा विधि का शासन, इतनी अच्छी अच्छी बात बताता, उनको अच्छा व्यक्ति बनने के लिए तैयार करता, उससे भी इस तरह की सर बात रंगदारी की नहीं बात। कल मेरी जान को बिल्कुल हुई जाती, मतलब उसके बाद में फिर क्या ही रह जाता अगर सब कुछ हुई जाता तो। ये मैं चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी इस पर संज्ञान ले और इसलिए सख्त मतलब वो जारी करें, ऐसा नहीं होना चाहिए उत्तर प्रदेश में, वरना कैसे हम लोग बाकी राज्यों से कम्पीट कर पाएंगे। दरअसल विवेक कुमार की प्रयागराज कोचिंग ब्रांच में 10 सितंबर को कुछ लोग आए, बकौल विवेक कुमार 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई। ना सिर्फ रंगदारी मांगी गई बल्कि कोचिंग बंद कराने की धमकी भी दी गई। वैसे आपको बता दें कि विवेक कुमार यूट्यूबर टीचर के तौर पर फेमस है। यूपी में उनकी चर्चा तब बहुत हुई जब उन्होंने यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक का मुद्दा जोरों शोरों से उठाया। फिलहाल उनकी धमकी को लेकर पुलिस की प्रतिक्रिया का इंतजार है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।